एग्जाम्स का सीजन है और पढ़ाई मत करनी है तो बेल आइकन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना जो है माता रानी कृपा नहीं देगी। आए दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इजल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इजल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक है, क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका जो क्यू है वो राइट एंगल है। पी आर प्लस क्यू आर मतलब पी आर और क्यू आर की जो सम है वो 25 के इक्वल है। पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। इसके हेल्प से आपको साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको एक कोई भी रेशो गिवन नहीं है, साइड्स गिवन है और एक साइड्स का रिलेशन गिवन है। ठीक है, बाकी की आपको जो भी करना है इसी रिलेशन की हेल्प से फाइंड करना है। सेम आपके को एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 है इन ट्राइंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी ओ पी इजिकल टू 7 सेंटीमीटर ओ क्यू एम माइनस पी क्यू इजिकल टू 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। बस यहाँ पे क्यू की बात कर रहा है, वहाँ पे पी है, बाकी जो ट्राइंगल है वो सेम ही ड्रा होगा। ठीक है, बस राइट एंगल चेंज हो जाएगा लेकिन जो रिलेशन है बाकी वो थोड़ा काफ़ी सेम है। इसमें ओ पी 7 गिवन है एंड इनके डिफरेंस का रिलेशन गिवन है 1, उसमें जो है एक साइड गिवन थी और सम का रिलेशन गिवन है 25। ठीक है, अब इसमें देखो एक तो साइड हमको गिवन है तो ये तो बहुत ही हेल्पफुल है, बाकी ये जो रिलेशन गिवन है इससे हमें हेल्प लेनी है। इस हमको रिलेशन से क्या करना है, किसी एक की वैल्यूज को फाइंड करना है अनदर फॉर्म में। जैसे आपने यहाँ ओ क्यू की वैल्यू को फाइंड की है पी क्यू के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू यहाँ ही रहने देंगे और पी क्यू को हम इधर लेके आएंगे। तो ये आपका बन जाएगा ओ क्यू इजिकल टू 1 प्लस, यहाँ से आपका बन जाएगा ओ क्यू इजिकल टू 1 प्लस पी क्यू। तो हम क्या करेंगे, ओ क्यू की वैल्यू को 1 प्लस पी क्यू के फॉर्म में पुट करेंगे। आप ऐसा भी कर सकते हैं पी क्यू की वैल्यू को फाइंड करें ओ क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे थोड़ा ये माइनस साइन ऑफ प्रॉब्लम देगा। अगर आप पी क्यू को ही रहने देंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस ओ क्यू। तो यहाँ पे इस ही यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी बीच में माइनस आएगा। ठीक है, तो दोनों साइड पे जो माइनस हो जाएगा वो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कैलकुलेशन में। तो सबसे ईजी इसका तरीका क्या, आप ओ क्यू की वैल्यू को पी क्यू के फॉर्म में फाइंड करें, तो ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू फाइंड करें, ना कि पी क्यू इक्वल टू 1 माइनस ओ क्यू। तो यहाँ पे भी माइनस है और वहाँ भी माइनस आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। बट क्वेश्चन नंबर 10 में हमको जो रिलेशन गिवन है वो प्लस की फॉर्म में है, मतलब सम है, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं। आप चाहे यहाँ से पी आर की वैल्यू फाइंड करें 25 माइनस क्यू आर, या क्यू आर की वैल्यू फाइंड करें 25 माइनस पी आर, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कैलकुलेशन बोथ साइड से जो है इक्वल ही रहने वाली है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू तो हमको गिवन है डायरेक्ट और यहाँ से हम एक फाइंड करेंगे चाहे पी आर की वैल्यू चाहे क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम पाइथागोरस अप्लाई करके साइड्स को फाइंड करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको एक कोई रेशो गिवन नहीं है, अगर रेशो गिवन होता है तो हमको परपेंडिकुलर हाइपोटेनस और बेस में से एनी टू पता चल जाते हैं तो हम थर्ड फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई रेशो तो गिवन है नहीं, तो बाकी जो आपकी जो तीनों चीज़ें हैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस इनको हमको अज्यूम करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर। ठीक है, इसमें आपका जो एंगल क्यू है वो राइट एंगल है। ठीक है, तो ये आपका राइट एंगल हो गया पी क्यू आर। ठीक है, जिससे आपको क्या है परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब यहाँ से देखो क्लियर है, ये आपका हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, बाकी एक बेस एक परपेंडिकुलर, वो आपका एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, और आपको गिवन है पी क्यू 5, तो चलो हम आप भी लिख लेते हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में जो गिवन है पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर में चीज़ें गिवन है इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी क्यू इजिकल टू 5 सेंटीमीटर और रिलेशन गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इजिकल टू 25। ठीक है, अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू को फाइंड करो अनदर फॉर्म में, चाहे पी आर को क्यू आर के फॉर्म में चाहे क्यू आर को पी आर के फॉर्म में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पी आर को फाइंड कर लेते हैं क्यू आर के फॉर्म में, तो हम पी आर को ही रहने देंगे क्यू आर को लेके जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पी आर इजिकल टू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 में जो गिवन है वो थोड़ा अलग है, वहाँ पे बीच में माइनस है,
तो वहाँ पे यही बेटर, आप इसी को लेके जाइए। अगर आप इसको लेके जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी साइन की वजह से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चाहे आप पी आर को उधर लेके जाएं चाहे क्यू आर को, दोनों से ही कैलकुलेशन एक सेम ही रहने वाली है, ठीक है। नाउ पी क्यू आर ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो इन ट्राइंगल सॉरी बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, मतलब पी आर का स्क्वायर अदर टू साइड्स पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो पी आर, तो चलो पी आर की वैल्यू हमने ये फाइंड किया, 25 माइनस क्यू आर लिख दिए, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी क्यू, पी क्यू की बने 5, चलिए बहुत बढ़िया। क्यू आर, तो क्यू आर को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने पी आर को क्यू आर की फॉर्म में फाइंड किया, तो हम इसकी जगह क्यू आर ही रहने देंगे। अब देखिए इसको क्यू आर के फॉर्म में चेंज करने से क्या फ़ायदा हुआ हमको, यहाँ पे क्यू आर मिल गया, ठीक है। अगर हम क्यू आर को पी आर के फॉर्म में लेके आते तो आपका यहाँ पे पी आर ही रहता, इस क्यू आर को हम चेंज करते तो हमको पी आर मिल जाता, ठीक है। तो भाई इतना सा बेसिक डिफरेंस है पी आर और क्यू आर को एक दूसरे के फॉर्म में चेंज करने से। तो यहाँ पे हमने पी आर को फाइंड किया है क्यू आर के फॉर्म में, तो क्यू आर फाइंड हो गया, यहाँ से हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड होने वाली है, ठीक है। नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आपका फॉर्मूला बनाइए अलजेब्रा का, तो 25 का 625 प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 250 क्यू आर इजिकल टू 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यू आर स्क्वायर प्लस प्लस अपोजिट साइड पे हैं, सही हो जाएंगे। यहाँ पे यहाँ से प्लस क्यू आर को माइनस क्यू आर इधर लेके जाएंगे तब भी वो कट हो जाएगा, सेम ही चीज़ है, ठीक है। अपोजिट साइड पे हैं, साइन सेम है, सही हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बचेगा 625 माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू 25। हमको फाइंड करना है क्यू आर, तो जो भी फालतू चीज़ सब यहाँ से भगाएंगे, तो ये बाद में जाएगा, पहले ही 625 यहाँ से भागेगा। तो माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 625, यहाँ से आपका बचेगा माइनस का 600 माइनस का 50 क्यू आर, माइनस से माइनस सही हो गया। क्यू आर फाइंड करना है तो ये 50 भी यहाँ से भागेगा, मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुँचेगा, 600 अपॉन 50 कट हो गया आपका, डिवाइड करेंगे 5 से 60 को, तो 5 मंजा 5, 5 टू जा 10, तो आपकी क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। नाउ क्यू आर की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, पी क्यू की वैल्यू गिवेन है, पी आर फाइंड करना है। अब पी आर की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट कर दीजिए जो हमने रिलेशन फाइंड किया था क्यू आर के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से आपका पी आर आ जाएगा, पी आर इजिकल टू 25 माइनस क्यू आर था ना, 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12, तो ये आपका हो जाएगा 313, पी आर की वैल्यू आपकी आ गई 13, ठीक है। अगर हम क्यू आर इजिकल टू 25 माइनस पी आर लिखते तो पी आर की जगह पी आर ही आता, क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर, यहाँ से हमको पी आर फाइंड हो जाता, ठीक है। फिर हम क्यू आर फाइंड करते, ठीक है। अब हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस तीनों चीज़ें फाइंड हो चुकी हैं, अब जो भी फाइंड करवाएगा वो हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमको करना है साइन पी, चलिए साइन पी, तो साइन पी आपका क्या होगा, आपका होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन एच हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए पी एंगल के लिए क्यू आर है इसके अपोजिट साइड, तो क्यू आर अपॉन हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, पी आर ही रहेगा, तो क्यू आर की वैल्यू हमको मिली है, क्यू आर की वैल्यू 12, तो 12 अपॉन पी आर की वैल्यू 13, तो साइन पी की वैल्यू आ गई 12 अपॉन 13। सेकेंड इज कॉस पी, चलिए कॉस पी, कॉस पी आपका होगा बी अपॉन एच, बी आपका पी के लिए पी क्यू है, तो पी क्यू अपॉन पी आर, पी क्यू 5, पी आर 13, तो कॉस पी की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13। लास्ट है टेन पी, टेन पी, टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू, तो क्यू आर की वैल्यू 12 एंड पी क्यू की वैल्यू 5, तो 10 पी की वैल्यू आ गई
12.5, ठीक है। तो चाहे हमको पी एंगल के लिए वैल्यू फाइंड करवाए, चाहे क्यू एंड आर एंगल के लिए, हम दोनों ही फाइंड कर सकते हैं। अगर आर एंगल के लिए फाइंड करवाएगा तो बस क्या होगा, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे, बाकी हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है प्लस के केस में तो आप किसको भी किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, बट माइनस के केस में आपको ध्यान रखना है। चलिए हम इसी को अगर माइनस के केस में मानते, ये आपको होता मान लो पी आर माइनस क्यू आर इजिकल टू वन, ठीक है। तो हम यहाँ से पी आर इजिकल टू लिखते वन प्लस क्यू आर, यहाँ से आपको ये इजी पड़ता। अगर आप मान लो क्यू आर फाइंड करते तो आप क्या करते, क्यू आर को ही रहने देते माइनस, आप लिखते वन माइनस पी आर, तो ये आपको माइनस देखो यहाँ पे और यहाँ पे, ये माइनस बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कैलकुलेशन में, ठीक है। ये तो कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, बट ये वाला माइनस प्रॉब्लम करता, तो इसलिए ईजी है कि आप माइनस वाले को उधर लेके जाएं जब आपको डिफरेंस गिवन हो तो, सम गिवन हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है।